दोस्तों इस वक्त हम आगे कनॉट प्लेस दिल्ली में सबसे मशहूर भोगल के छोले भटूरे खाने के लिए, जो कि 75 साल पुरानी ये दुकान है यहाँ पर। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ कितनी ज्यादा होती है। भीड़ सिर्फ इसलिए होती है कि छोले भटूरे इनके बहुत ही ज्यादा मशहूर है और टेस्टी है, जायका इतना मशहूर है इनका और दूर दूर से लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। इनके छोले होते हैं, ऊपर से ये प्याज डालते हैं, सलाद डालते हैं, आलू डालते हैं और ये भटूरे देख सकते हैं, साइज भटूरे के साइज भी काफी हैवी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? बढ़िया सर। सर कनॉट प्लेस की तरफ आए थे और भोगल छोले भटूरे इतने ज्यादा मशहूर है कि आज रहा नहीं गया कि आज भोगल छोले भटूरे खाते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि भाई भोगल छोले भटूरे लगभग 75 साल पुरानी यहाँ पर दुकान है और लोग यहाँ पर बड़े चाप से खाते हैं। तो सर एक बार बताएंगे कि कैसे शुरू किया और भोगल छोले भटूरे नाम कैसे पड़ा भोगल का? सर पापा का नाम था, लाला भोगल के नाम से, पापा का नाम जानते थे तो उसी नाम से चल रहा है। अच्छा उसी के नाम से चल रहा है। ये आपके फादर साहब हैं? अच्छा तो लगभग 75 साल पुरानी है दुकान। 70 प्लस हो गई है ना। और शुरू करने वाले आपके पिताजी थे? हाँ, तो सर आपका नाम एक बार जानना चाहूंगा। अमित नाम। अमित जी, जी सर। तो सर आपने कब से कमान संभाली? 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। पहले भैया संभालते थे, बड़े भैया। अच्छा आपके भाई साहब जो है बड़े वो बैठते थे पहले? अभी भी होते हैं। अच्छा अभी भी आते हैं? अभी घर चले गए आते हैं। तो सर छोले भटूरे पे आते हैं, छोले भटूरे इतने ज्यादा मशहूर आपके हैं तो आप क्या उसमें ऐसा मिलाते हैं कि लोग इतने मशहूर मतलब कहते हैं? सब चीज मसाले की है, मसाले साबुत लेते हैं, अपने बनाते हैं मसाले। अच्छा खुद के मसाले होते हैं? जी सर। और जो छोले भटूरे ये आपके होते हैं, हाँ, इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलता है? मटर कुलचे, छोले राइस, लस्सी होती है, लस्सी अलग अलग फ्लेवर है सर। अच्छा लस्सी में भी आपके फ्लेवर होते हैं? जी सर। तो कौन कौन से फ्लेवर होते हैं एक बार बताएंगे? मैंगो, केसर, पान, ब्लैक करंट, प्लेन मसाला। अच्छा ये सारे फ्लेवर होते हैं। और छोले राइस में देख रहा हूँ और पीछे मेन्यू लगा हुआ है, एक बार मैं मेन्यू दिखाना चाहूंगा। जी सर ये देखिए मटर छोले भी होते हैं यहाँ पर, ये सर ने लगा रखे हैं, यहाँ पर मटर छोले मिलते हैं और यहाँ पर ये छोले भटूरे यहाँ पर मिलते हैं जो कि भोगल के छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा मशहूर है। लोग कई कंफ्यूज होते हैं सर कि भोगल जो है वो जगह का नाम भी है एक जगह, तो आपके जो फादर का नाम भोगल है उन्हीं के नाम से आपने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो सर मैं ये देख रहा हूँ 85 रुपीज की प्लेट है, पैकिंग करवाते हैं तो? पैकिंग का 90 का सर। 90 रुपीज रहता है। सर एक बार लोकेशन बता देंगे क्या पड़ती है? कनॉट प्लेस सिंधी हाउस सर। कनॉट प्लेस सिंधी हाउस। और टाइमिंग भी बता दीजिए एक बार। टाइमिंग सुबह वर्किंग डे पे 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और संडे को 8:30 बजे स्टार्ट होता है और क्लोजिंग का टाइम सेम है 4:30 बजे का। माल हो तो सामान हो तो हमारे पास। अच्छा ज्यादातर सामान पहले खत्म हो जाता है। सामान पहले ही खत्म हो जाता है। अभी तो चलता है खैर। अच्छा और सर्दियों में सर क्या रहता है टाइमिंग? टाइमिंग यही रहती है सर। यही रहती है। हां नहीं खत्म जल्दी हो जाता है। अच्छा अच्छा तो सर छोले भटूरे एक बार लगवाते हैं आपके, टेस्ट करते हैं और व्यूअर्स को बताते हैं। टाइम देने का सर धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। भोगल के छोले भटूरे कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। अच्छे लगे? हां जी। सर फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं मैं सेकंड टाइम हूं। सेकंड टाइम आए हो तो मतलब फर्स्ट टाइम आपको बहुत बढ़िया लगे तभी आप सेकंड टाइम यहाँ पे आए हैं। जी जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर। द्वारका से? ग्वालियर। ग्वालियर। ग्वालियर से जी। अच्छा ग्वालियर से यहाँ पर किसी काम से आए थे या स्पेशल खाने आए? नहीं काम से ही आए। अच्छा काम से आए थे तो सोचा कि भोगल के छोले भटूरे भी खा लिए जाए तो स्वाद मतलब ऐसा है कि लोगों को बताया जा सके। बिल्कुल आइए। लगभग 75 साल पुरानी दुकान है ये। सर धन्यवाद आपने टाइम दिया। सर दोस्तों इस वक्त हम आगे कनॉट प्लेस दिल्ली में सबसे मशहूर भोगल के छोले भटूरे खाने के लिए, जो कि 75 साल पुरानी ये दुकान है यहाँ पर। और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ कितनी ज्यादा होती है। भीड़ सिर्फ इसलिए होती है कि छोले भटूरे इनके बहुत ही ज्यादा मशहूर है और टेस्टी है, जायका इतना मशहूर है इनका और दूर दूर से लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। जैसे एक से रिव्यू लिया, ग्वालियर से यहाँ पर खाने के लिए आए हैं भोगल के मशहूर छोले भटूरे। ये देख सकते हैं आप, ये इनके छोले होते हैं, ऊपर से ये प्याज डालते हैं, सलाद डालते हैं, आलू डालते हैं और ये भटूरे देख सकते हैं, साइज भटूरे के साइज भी काफी हैवी है। 85 रुपीज की प्लेट होती है, 90 रुपीज की ये जो प्लेट पैक करके देते हैं। टेस्ट करते हैं इनका जायका, इनका जायका आपको बताते हैं कि इनका जायका कैसा रहने वाला है। ज्यादा ऑयली छोले भटूरे नहीं रहते हैं इनके। और ये देखिए ये इनका स्वाद एक नंबर है। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने इनके दीवाने इनके छोले भटूरे के। सीपी की तरफ कभी आओ, कनॉट प्लेस की तरफ कभी आओ तो इनके छोले भटूरे कभी खाना मत भूलना, क्योंकि जायका इतना मशहूर है, टेस्टी इतना है कि आपको बार बार यहाँ पर आने पर मजबूर कर देगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए स्वाद के किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।